भाई हमारे जो शीला आंटी है दो दिन से एक ही गाना गा रही है कि कुलसुम आंटी के माँ के लिए जो है उसने दुआ की थी उम्रा जाने के लिए, तो जिसके लिए कुलसुम आंटी के माँ को जो है उम्रा करना नसीब हो रहा है, उसका कहने का मतलब ये है कि कुलसुम आंटी के माँ के लिए अगर वो दुआ नहीं करती उम्रा के लिए तो शायद कुलसुम आंटी के माँ को उम्रा नसीब ही नहीं होता। दो दिन से वो एक ही गाना गा रही है, बकायदा कल तो वीडियो में उसने क्लिप डाल के भी दिखाया है जो दुआ उसने मांगी थी उम्रा जाने के लिए, ऐसा वैसा हमका डमका। भाई तू कहना क्या चाहती है, तू बोलना क्या चाहती है कि भाई तू अगर दुआ नहीं करती तो कुलसुम आंटी की माँ को शायद उम्रा नहीं नसीब होता नहीं, ऐसा तो बोल रही है क्या? कि या फिर तूने पूरा ट्रिप जो है पूरा ट्रिप का जो पैसा स्पॉन्सर तूने किया है, जो इतना खुद को बड़ा चला के बोल रही है, अब इसका है क्या पता है? इसके ऊपर हो गए केस, फिर जो भी होना था हो गए। इसके बुढ़े ने उसको छोड़ दिया है, ठीक है, बुढ़े के फैमिली वालों ने उसको छोड़ दिया है और इसके पास कोई बचा नहीं, ये तो लावारिस लाश है, ठीक है। और कंटेंट के नाम पे पहले सना भाभी इमरान भाई का और रेहान आंटी का नाम लेती थी, मरियम आंटी का नाम लेती थी, सबको पोक करती थी तो उसको व्यूज़ मिलते थे। अब उनका नाम भी नहीं ले सकती वो, उनका नाम लेगी तो उसके ऊपर जो है बम्बू डाला जाएगा। तो कंटेंट के लिए क्या करना, हेटर्स हेटर्स भी बोल के देख लिया भाई, हेटर्स हेटर्स बोल के देख लिया लेकिन व्यूज़ भी नहीं बढ़ रहे। अब बचा कौन? कुलसुम आंटी। और उसको कुलसुम आंटी के अंदर अभी घुसना भी है क्योंकि वो अकेली होगी, उसके पास कोई बच्चा ही नहीं है, तो वो जैसे तैसे कुलसुम आंटी के जो साथ है जुड़ना भी चाहती है और कुलसुम आंटी का नाम ले के अपने वीडियो में वो जो है व्यूज़ भी कमाना चाहती है। तो दो दिन से जो है ना वो गाना लगा के रखी है कि भाई मैंने इसके माँ के लिए दुआ मांगा था, मैंने इसके माँ के लिए दुआ मांगा था, इसीलिए उसके अल्लाह ने मेरी सुन ली फलान डिपका, एज इफ के वो अगर दुआ नहीं मांगती तो कुलसुम आंटी के माँ को उम्रा नसीब नहीं होता, एज इफ पूरा उम्रा का जो जितने सारे लोग हैं सारों का पैकेज जो है वो स्पॉन्सर कर रही, एज इफ न जाने वो कौन सी पीर वलीउल्लाह है कि भाई उसके मुंह से निकली हुई दुआ मतलब हर दुआ कबूल हो जाती है। अब कंटेंट के नाम पे कुछ तो करना होगा। अब भाई रिहाना आंटी सना भाभी इमरान भाई ना सही तो कुलसुम आंटी के नाम पे थोड़ा व्यूज़ खा ले और ऊपर से ये सारी चीज़ें दिखा के कुलसुम आंटी अगर उसकी वीडियो देखेगी तो उसके दिल में शायद थोड़ा रहम आ जाए तो उसके साथ वापस से जुड़ जाए, ये उसका प्लान है। अब भाई इसका मतलब कि क्या बोलूँ मैं भाई, बुढ़ी तो ये बंद कर ड्रामा, ये तेरे अच्छाई और सच्चाई का ड्रामा बंद कर, अब तेरा बुढ़ा नहीं है तो तू और ऊपर से तेरे जो इमेज की वो वाट लग चुकी है तो इसीलिए तू जो है ना बहुत अच्छी सच्ची अल्लाह वाली दीन वाली तू बन रही है। जैसे ही तेरा बुढ़ा आया नहीं कि तेरा जो निब्बा महमूब आया तो तू भी निब्बी बन के किलो किलो मेकअप थोप के जो है ना निब्बी निब्बी निब्बा निब्बी का तुम लोग का प्रेम कहानी है जो वो चालू हो जाएगा, थिरकना चालू हो जाएगा। बुढ़ा नहीं है तो फिर नमाज जहानमाज फिर अच्छी बातें अच्छी सोच के साथ बहुत मीठा 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 बोल के जो है ना बहुत अच्छी बन रही। लेकिन जैसे बुढ़ा आया ना, बुढ़ा आने की बात क्या है, अरे दो दिन पहले की व्लॉग में तेरी हड्डियों की दर्द थी, तेरे को वात का प्रॉब्लम था, तेरे को बुखार जैसा था, तेरे को हमका था, तेरे को ढमका था, तेरे को पता नहीं क्या क्या था, तेरे को लकवा मार गया था, मतलब ये तो तूने बोला नहीं है, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ। आज मतलब कि क्या होता है ना, आज फिर से तूने जो मुजरा चालू कर दिया, थिरकना चालू कर दिया, अब कहाँ आ गया तेरा बात का प्रॉब्लम, अब कमर में दर्द नहीं हो रहा, पैरों में दर्द नहीं हो रहा, उंगलियों में दर्द नहीं हो रहा। एक कहावत है, कौवा चला हंस की चाल, ठीक है। तो तू जो है ना कुछ दिनों के लिए तेरे ऊपर एक केस फेस हुआ और तेरा बुढ़ा भी नहीं है और तेरे को पास कंटेंट भी नहीं है। अब कंटेंट के नाम पे कभी पीनू को प्यार मोहब्बत दिखाती है, कभी जो है ज्ञान की बातें जो आके बकवास करने लग जाती है। अब कंटेंट क्या दिखाएगी 15-16 मिनट की वीडियो में, तो क्या दिखाएगी, लोग बोर हो जाते तेरी वीडियो से और दिखाएगी भी क्या, तो खाना खाती है बाहर का, ठीक है, काम तो तू कुछ करती नहीं है घर का, वो तो काम वाली आके करती है। खाना भी हफ्ते में तू सिर्फ जब तेरा किचन चैनल में रेसिपी अपलोड करने करते हैं तब तू जो है खाना बनाती है और तेरा बाहर घूमना यही सब होता तो तू दिखाएगी क्या। और तेरा जो फैमिली है सूरत वाली भारी की फैमिली, वो भी तेरे को भाव नहीं दे रही है और तेरा जो निब्बा महमूब है वो भी नहीं आ रहा है तो दिखाएगी क्या। अब दिखाने ना दिखाने के नाम पर कुछ है नहीं, तो बस अल्लाह के नाम से टॉपिक जो है वो शुरू कर दो क्योंकि वो थोड़ा सेंसिटिव इशू है, थोड़ा सा इमोशनल इशू है, मतलब कि इंसान का जो है ना वो
एक होता है विश्वास जुड़ा हुआ है, या फिर अल्लाह का नाम जहाँ पे आता है मुसलमान तो अपना गला भी कटा लेता है। तो अभी तो अल्लाह रसूल की बातें करती है, नमाज दिखाती है, नाखून निकाल दी लेकिन एक्सटेंशन नहीं निकाली, अब तो कुलसुम आंटी के बारे में बोलने लगी और ब्लॉग में आके बस ज्ञान की बातें बकवासी करती रहती है। अब एक कहावत मैंने जैसे आप लोग को थोड़ी देर पहले ही बोला कि कौवा चला हंस की चाल, तो अब कौवा जो है कब तक हंस की चाल चलेगा, वापस से काय काय करने को तो चालू कर ही देगा ना। तो वैसे ही शीला भी कब तक अच्छी बन के रहेगी, अब उसकी जवानी भी जो है ना बासी करी में उबाल तो आना ही है। फिर से देखो आज के उसके रील्स देखो, इतना टाइट पैंट जैसे कि पैंट फटने वाला हो जैसे। आंटी थोड़ा धीरे ज़रा, कहीं पैंट वैंट फट गया ना नाचने के चक्कर में, या फिर कमर वमर अकड़ गई ना, तो ऐसे कमर अकड़ते हुए ही ऊपर जाना पड़ेगा, लिफ्ट में भी नहीं घुस सकती, इतना बड़ा तो तेरा पिछवाड़ा है, और पिछवाड़ा आड़ा टेढ़ा होगा तो लिफ्ट में जो है ना धक्का मार मार के घुसाना पड़ेगा। उम्र हो चुकी है, तेरे बात का प्रॉब्लम है, तेरी हड्डियाँ फूल जाती है, तेरी हड्डियों पे छेदा हो जाएंगे, तो थोड़ा धीरे से हल्लू से थिरकाया कर भाई। और रहा सवाल कुलसुम आंटी के माँ का, तो बेटा जिस दिन कुलसुम आंटी का दिमाग फिरी ना, जिस दिन कुलसुम आंटी का तेरे ऊपर से दिमाग फिरी ना, दादा कुलसुम आंटी के को एहसान जताने की बिल्कुल भी कोशिश मत कर, क्योंकि कुलसुम आंटी की माँ अगर उम्रा पे भी जा रही है ना, तो वो कुलसुम आंटी का उसमें मेहनत है, तेरा कुछ नहीं। तू अगर ना भी दुआ करते तब भी वो उम्रा में चली जाती। तो जिस दिन कुलसुम आंटी का दिमाग फिरा ना, तो तेरे बुढ़े को, तेरे निब्बा महबूब को कैसे धोया था, वैसे ही बिना साबुन के रगड़ रगड़ के तेरे को धोएगी। और वैसे भी कुलसुम आंटी के माँ को तेरी दुआ लगी कि नहीं लगी वो तो नहीं पता, लेकिन तुझे लोगों की बददुआ ज़रूर लग गई है, जिसकी वजह से क्या है ना, तू लावारिस लाशों की तरह पड़ी हुई है। रिहान आंटी ने एक बात बोला था कि तू मर गई ना तो तेरी कब्र में भी कलाम पाक पहुँचने को कोई नहीं रहेगा, वही हाल तेरा आज हो गया। तेरे बेटे को तो कलाम पाक पढ़ना भी नहीं आता है, नमाज पढ़ने का भी तौर तरीका तेरे बेटे को आएगा कि नहीं वो भी नहीं पता, शिया का बेटा है वो। एनीवेज तो तू लावारिस लाश की तरह है, तेरे को कोई पूछता भी नहीं है, वीडियो में हर बार हर रोज अयूब अयूब करती रहती है, लेकिन अयूब तेरे को जो भाव देता नहीं है, तो तू लावारिस लाश ही है। बड़ा बेटा भी तेरे टच में ज़्यादा आता नहीं है, और बोबला तो बोबला ही है, वो भाड़ी का टट्टू माई का जो भी है DALL, तो वो भी क्या ही करेगा। तो तू तेरे को तो आगे पीछे पूछने वाला भी कोई नहीं है, और शक्ल शक्ल जो तेरी है ना अब तो बकायदा और भी ज़्यादा लानत बरस रही है, शक्ल में नूर तो छोड़ लानत ही लानत बरस रही है। तो कुलसुम आंटी की माँ को तेरी दुआ लगी कि नहीं वो मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि तेरे तुझ जैसी नापाक जहन्नुम में औरत की दुआ जो है वो कबूल होती कि नहीं वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुझे लोगों की बददुआ ज़रूर लग गई है। जैसे तूने लोगों को चूसा है, पता नहीं क्या क्या करा है लोगों को, जैसे तूने रुलाया है ना, तो उन सब लोगों की बददुआ तुझे लग गई है। आज देख तुझे इस उम्र में कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन का जो है चक्कर काटना पड़ा, इज्जत की तेरी धज्जी उड़ गई। तू बोलती है कि लोग मुझे मम्मा टम्मा चम्मा बुलाते हैं, माँ बुलाते हैं, मैम बुलाते हैं, तो क्या बोलूँ मैं, तू सावन की अंधी है, तेरे को बस हर जगह बस खुद की तारीफ ही दिखाई दे रही है। तो नेगेटिव कमेंट भी पढ़ती होगी ना, तो उसमें भी तेरे को तेरी तारीफ ही दिखाई देती होगी। सावन की अंधी बुढ़िया, किसी अच्छे जो आँखों का जो रोशनी जिसका अच्छा है ना, उसको बिठा के तेरा कमेंट सेक्शन खोल के दे उसको, या फिर उसके फ़ोन में खोलने को बोल, और बोल जोर जोर से पढ़े, क्योंकि तू तो सावन के अंधे है, तेरे आँखों में तो हर जगह बस खुद की तारीफ नज़र आती है, जैसे सावन के अंधे को हरियाली नज़र आती है, लेकिन कान तो तेरे ठीक है ना, बहरे तो नहीं है ना, तो लोग तुझे कितना मम्मा टम्मा चम्मा बुलाते हैं और कितना गालियाँ देते हैं वो तेरे को ज़रूर सुनने को मिलेंगे, ठीक है। तो किसी अच्छे जो है ना आँखों का जिसका दृष्टि जो है ना दृष्टि शक्ति बोलते हैं बहुत स्ट्रांग हो, उसको बोल तेरे कमेंट सेक्शन पढ़ने के लिए। और लोगों को हेटर्स बोलने वाली, हेटर्स की बद्दुआ लेने मतलब बद्दुआ देने वाली दोगली औरत, तो खुद ही कुछ दिन पहले बोली, दो दिन पहले की बात है कि तेरी तबीयत ख़राब है, तेरे को ऐसा है, तेरे को वैसा है, तेरा मन अच्छा नहीं है, तेरे को टेंशन है, फलाना है, डिमका है, टेंशन से तेरे एक्सटेंशन भी झड़ रहे थे। भाई टेंशन से तो मुझे आज तक ये मैंने कभी नहीं सुना कि टेंशन से एक्सटेंशन के बाल भी झड़ते, लेकिन तेरे झड़ते हैं, तेरे साथ कुछ भी अजीबोगरीब हो सकता है। तो भाई इतना सब कुछ होने के बाद आज फिर से मुजरा करने लग गई, अब बुढ़ा नहीं आ रहा, काफ़ी दिन हो गए, मुजरा के बिना कैसे रह सकती, अब बुढ़ा जो है आ नहीं रहा है तो तुझसे रहा नहीं जा रहा, तो अकेली ही जो है मुजरा करना स्टार्ट कर दे। अब ये चीज़ मुझे व्यूअर्स लोग बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों के माँ बहन जो है ऐसे कपड़े पहन के, मुसलमान हो या हिंदू हो, क्योंकि मैं दोनों में हूँ, मैंने कभी हिंदुओं को भी नहीं देखा है,
कि ऐसे जीन्स पैंट पहन के और ऐसे टाइट जीन्स पैंट पहन के और ऐसे कपड़े पहन के मुजरा करते हैं रोडों में अपार्टमेंट के सामने नाचते हैं। आप लोगों में से कितने लोग के जो है माँ बहनें जो ऐसा नाचते, कोई नाचता है? नहीं नाचता है ना। इज्जतदार शरीफ घराने की जो औरतें होती है वो इज्जत से ही रहती है, वो ऐसा नंगा काम नहीं करती। तो वो ये नंगा काम भी करती है और लोग अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है अपना मतलब सामने रखे तो वो लोग हेटर्स हो जाते। तो भाई तेरे को अगर इतनी मिर्ची लगती है लोगों की बातों से, हमारे बातों से, तो भाई तू ऐसा काम ही मत कर। नॉर्मल जैसे हमारी माँ खालाएँ या फिर चाचियाँ जैसे रहती है ना, मामोसी जैसे रहती है ना, वैसे ही रहे। और अगर तुझे नहीं रहना तो तू रह भी नहीं सकती। तू बाजारों और होते बाड़न से रहे, तू रह भी नहीं सकता। अगर तुझे नंगापंती करनी है कर भाई, तेरा लाइफ है, तू अपना खाते, तुझे जो करना है कर। तू कपड़ा खोल के नाच, किसी को भी बोलने का हक नहीं है या फिर कोई बोलेगा भी नहीं। हमारी कौम का नाम बदनाम मत कर कि तू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में तू ऐसा करती है तो लोग क्या बोलेंगे कि सारे मुसलमान औरतें ऐसी होंगी। भाई हम मुसलमान औरतें ऐसे नहीं, हम बहुत इज्जत से जीते हैं, हम बहुत इज्जत की दो रोटी खाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने पाल पोसने में हमको बहुत मेहनत लगती है। तो भाई हमारा कौम का नाम बर्बाद मत करो, क्योंकि जहाँ पर बात हमारी कौम की आएगी ना, इंसल्ट होगी कौम हमारे रिलीजन की, इंसल्ट जहाँ पे होगी ना तो हम वहाँ पे बर्दाश्त नहीं, हम बोलेंगे ही। और कौम का तो छोड़ो, बींग वोमेन तो एक औरत हो कि औरतों का नाम खराब कर रही है। तो जैसी बाजारों औरतों को देख के सब लोगों को लगता होगा कि हर औरत ऐसी ही होगी, तो बात सिर्फ रिलीजन की नहीं है। तो एक औरत हो के तुझे चीज़ें करती, वो औरत होके भी कोई भी रिलीजन की औरत के ऊपर वो जस्टिफाइड होता ही नहीं है। और तेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पसंद भी नहीं करती, यही सारे हरकतें करते। तो भाई अगर तुमको करना है तो शौक से करो, बट हमारे रिलीजन का नाम खराब मत करो, मेरा यही कहना है। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, दुआ की दरख्वास्त है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है। कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताओ, एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेरा चैनल जो था आयशा का जहान, तो इसका नाम जो है मैंने सिर्फ अपने नाम से हटा के हमारी जो आइडेंटिटी है, जैसे कि आप लोग मुझे और मेरे हस्बैंड को जानते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम कपल है, तो हिंदू मुस्लिम कपल ब्लॉग्स के नाम से ही चैनल का नाम रखा है। तो जाइए और मेरी जो डेली रूटीन और डेली लाइफ है कि हम कैसे रहते हैं वो देखिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे झगड़े फसाद पॉलिटिक्स तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन बहुत कम लोग आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम एक छत के नीचे अपना एक दुनिया बसा रहे, पॉलिटिक्स के परे, सब कुछ के परे। तो जाइए जाके मेरी ज़िंदगी से जो है कनेक्ट हो जाइए, और कम्युनिटी में भी मेरी वीडियोस के लिंक में लगाती हूँ, तो वहाँ पे भी जाके जो है लिंक के थ्रू सीधा मेरे चैनल पर जा सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिए और दुआ की दरख्वास्त है, थोड़ी बहुत मेरे जो है ना कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, थोड़े से मैं परेशान हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो रुकी हुई है, ठीक है, हो नहीं रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रुकी हुई है हो नहीं रहा है। मैं सोशल मीडिया में खुल के तो नहीं बताती हूँ कभी भी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता अपने घर की परेशानी सोशल मीडिया में आके मैं गाऊँ और ये करूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो प्लीज़ दुआ कीजिए कि जो भी मेरे जो परेशानी अभी फ़िलहाल करंट में है वो सॉल्व हो जाए, बस इतना दुआ कीजिए। बाकी तो मिलूँगी फिर मैं एक नए ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।